अंजना सीधे दिखाते हैं आपको तस्वीर की किस तरीके से लंबी लंबी कथा। और एक बात तो है कि इस बार वोटिंग में उत्साह दिख रहा है, बावजूद इसके कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं और लंबी कतार जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक वोटर कतारों में खड़े हैं। खासतौर पर युवा वोटर बहुत बड़ी तादाद में है और तमाम लोग इस बार वोटिंग के लिए आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोगों की कतार काफी लंबी है। तो इस बार बात किया जाए, क्या है मन में मुद्दा? मुद्दा बस सरकार का बहुत बड़ा क्या है बोलिए। सुरक्षा है, वोट गिराए हैं। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, नौकरी चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी और क्या? और क्या? और कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई अभी अभी मुश्किल है? पढ़ाई लिखाई अभी तो मुश्किल है, ये है कोरोना के बाद करेंगे, अभी तो घर में रहते हैं। घर में रहते हैं तो फिर क्या लगता है, क्या कि इस बार बदलाव की बात हो रही है? हाँ बदलाव, बदलाव है। आपको मुद्दा क्या है, आप बताइए मुद्दा क्या है? मुद्दा है शांति पूर्वक वोटिंग हुए और नौकरी चाकरी, आदमी को पढ़ाई लिखाई सब चीज में अच्छा होना चाहिए, और क्या? तो जो चल रहा है वो अच्छा है या बदलाव चाहिए? बदलाव कुछ होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या दिमाग में मुद्दा है, क्या चीज कमी है, क्या परेशानी है? परेशानी तो अभी बहुत तरह का परेशानी है, जैसे हमारे बस्ती में नल तली सब नहीं पहुँचा है, पानी नल जल नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा है। आपका वही बात है सर, वही है, नल जल नहीं पहुंचा है, नहीं, योजना नहीं पहुंची, नहीं पहुंचा है। तो ना योजना पहुंची है ना रोजगार पहुंचा है, बहुत सारी परेशानी है अंजना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो महापर्व है ना लोकतंत्र का, ये ऐसी खूबसूरती है इस प्रजातंत्र की कि आपको मौका देता है हर 5 साल में कि आप अपने दिल में जो भी है, जो भी मुद्दे हैं, जिन भी मुद्दों को लेकर के आप सोचते हैं, जो भी कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए लोगों के पास एक, बिल्कुल। और लोकतंत्र के उसी बड़े पर्व में आज वोटिंग का पहला दिन है।